सुंदर सा जी से एक मैं विशेष आग्रह करूंगा, समाज में आजकल एक बहुत बड़ी भ्रांति चल पड़ी है नृत्य से संबंधित। हमारा परम धाम का इतना ऊंचा ज्ञान हमारी कुछ भूलों के कारण संसार में फैल नहीं पा रहा है। मंदिर जो भी होते हैं जन जागृति के केंद्र होते हैं, इन मंदिरों से ज्ञान का प्रवाह बहना चाहिए, चितवनी की धारा बहनी चाहिए, लेकिन ये आजकल नहीं हो पा रहा है। एक परंपरा चल गई है कि फिल्मी धुनों पर खूब जोर जोर से उछलना कूदना नाचना। देखिए सूफी फकीर भी नाचते हैं, मीराबाई भी नाचती थी, और मैं देखता हूँ इस्कान वाले भी नाचते हैं, लेकिन उनके नाचने में एक भक्ति का रस है, प्रेम की मस्ती है। वो हमारे समाज के मंदिरों में जो नृत्य होती है उसमें वो प्रेम की मस्ती नहीं दिखाई पड़ती, कला का प्रदर्शन होता है। तो ये चीज़ जो हमें कहीं ना कहीं वाणी से तो दूर कर रही है। वाणी जहाँ गायन होगी, जहाँ पर वाणी का गायन होगा और चितवनी की प्रक्रिया बढ़ेगी, वाणी की चर्चा होगी, तो हृदय में राज्य के प्रति प्रेम बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात इश्क बंदगी अल्लाह की हो है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सुलिखी अक्सर। जो हमारी फर्ज बंदगी इंद्रियों से जो कुछ भी होगा हमारा, वो क्या है, हाथ से हम दौड़ लें पाठ कर लें, ये सब नाचना कूदना तो दुनिया पहले से करती आ रही है। वृंदावन में कितनी राज की मंडलियां हैं, लेकिन क्या किसी ने परम धाम को देख लिया? यदि इनसे ही परम धाम मिल सकता था तो पहले भी परम धाम को हर कोई देख सकता था, लेकिन राज्य का दीदार कैसे होगा? प्रेम से। प्रेम क्या है? प्रेम शरीर से परे है, इंद्रियों से परे है, अंतःकरण से परे है। वाणी क्या कहती है? इश्क कोई इलेक्शन जो नैनो पलक न ले। जब हम चितवनी में शरीर से परे हो जाएंगे, संसार से परे हो जाएंगे, मन चित बुद्धि से परे हो जाएंगे, तब हमारी आत्मा राज्य का दीदार करेगी। ये प्रेम का विशुद्ध मार्ग है। जो हम शरीर से करते हैं, देखिए आप शरीर से नाचेंगे कूदेंगे ठीक है, लेकिन उसका संबंध किससे है? आप इंद्रियों से सब कुछ कर रहे हैं, इंद्रियों का राजा मन है। मन की जहां तक पहुंच है वो मन में ठीक है, कुछ समय के लिए प्रेम भाव आएगा, लेकिन मन के जो विकार हैं वो पूरी तरह से नहीं जा सकते। जो विरह है हृदय से होता है, मन के धरातल पर होता है, लेकिन यह विरह जब राज्य के लक्ष्य में केंद्रित हो जाता है तो हमारा हृदय निर्मल होने लगता है। राज्य की शोभा को निहारते निहारते माया के सारे विकार हमारे दूर हो जाते हैं, और तब प्रेममय स्थिति में राज्य का दीदार होता है। जो बहिर्मुखी उपासना है, पूजा पाठ है, परिक्रमा है, नाचना कूदना है, जहाँ पाठ वगैरह तो चल जाएगा अच्छा है, लेकिन जहाँ केवल उछलना कूदना जोर जोर से ढोल के पीटना और सोच लेना कि हमें सब कुछ है, तो परिणाम क्या होता है? हमारी ऊर्जा व्यय होती है, शरीर थकता है, लेकिन लक्ष्य से हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। आज सारा संसार ध्यान की तरह मुड़ रहा है, और जो परम धाम के दर्शन के लिए राज्य ने हमें चितवनी का मार्ग दिया, हमारा सुंदर साथ उससे हटकर नवधा भक्ति में लग जा रहा है। आप सोचिए नवधा भक्ति तो दुनिया पहले से करती आ रही है। वृंदावन में चले जाइए, अयोध्या में चले जाइए, सब लोग उछलते हैं कूदते हैं। चैतन्य महाप्रभु वनों में भी नाचते थे, लेकिन वो भाव विभोर होकर नाचते थे, वो स्वयं को राधा मानकर नाचते थे। रामकृष्ण परमहंस भी नाचते थे, लेकिन हमारा जो नृत्य होता है रामकृष्ण परमहंस और चैतन्य महाप्रभु जैसा नहीं होता। हमसे अच्छे, मैं आज भी कह रहा हूँ, इस्कान वाले जो भले ही गोरे अंग्रेज हैं, वो जब नाचते हैं तो उनको शरीर के शुद्ध नहीं रहते, वो पवित्र भाव से नाचते हैं। हमारे मंदिरों में जो कुछ नृत्य का विकृत रूप देखने को मिल रहा है वो पिक्चरों से संबंधित है, उसका एक्शन किया जाता है, तो ये मैं समझता हूँ फिल्मी धुनों पर जो उछलने कूदने की प्रवृत्ति है और भद्दे तरीके से नाच जो मंदिरों में आजकल चल रहा है, वो कहीं पड़ोसियों को आध्यात्मिकता में नहीं आने देगा। पड़ोसी हंसी उड़ाते हैं कि इनका कैसा मंदिर है, जब देखो तो फिल्मी धुन पर नाचते हैं कूदते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अब बताइए एक भजन, तुमसे मिलने का बहाना मिल न था, पाठों के बहाने आ गए, और उस पर ढोल के पीटते हैं खूब नाचते हैं। तो ये भद्दे भद्दे गीत जो भजन के रूप में गाए जा रहे हैं, इससे हमारी आत्मा का कोई कल्याण नहीं होगा। अब वाणी गाइए, चितवनी कीजिए। मैं कहता हूँ मैं नृत्य का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन नृत्य करने वाले को पहले मीरा बनना पड़ेगा, रसखान बनना पड़ेगा, सूरदास बनना पड़ेगा,
चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ेगा, रामकृष्ण परमहंस बनना पड़ेगा। ये नहीं कि मांगे मांगे कपड़े पहनकर फिल्मों के दृश्य देख करके आप उछलते कूदते रहिए और कहिए कि हमें इसको हो गया है। तो सबकी अपनी भावना होती है, मुझे किसी को रोकने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारा समाज जिस रास्ते पर चल रहा है, परमधाम का सबसे ऊंचा ज्ञान लेकर, चितवनी का मार्ग लेकर, कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में चल रहा है। आज मंदिरों में चर्चा नगण्य हो गई है। ये जो नृत्य मंडली है, इसको सहनी नहीं है कि वाणी चर्चा हो, चितवनी से इसको घृणा है, चितवनी ये करना नहीं चाहते, वाणी चर्चा न करने देते हैं न करते हैं। इनको क्या चाहिए, केवल फिल्मी धुनों पर उछलना कूदना, ये तो समाज के लिए बहुत घातक होगा। वाणी भी हट जाए तो वाणी के विपरीत क्या होगा, उल्टे सीधे भजन बन गया है जिसका कोई वाणी से संबंध नहीं है। इसे देखो रे पिया को परातम से, परातम से कहां देखा जा सकता है, वाणी में कहीं नहीं लिखा है कि परातम से देखा जा सकता है। खिलवत के पहले प्रकरण में इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि राजी मैं आपके सामने बैठी हूँ, न देख पा रही हूँ, न आपसे बातें कर पा रही हूँ, न आपकी बातें सुन पा रही हूँ, तो परात्म से कैसे देखा जा सकता है। आत्मा परात्म का श्रृंगार सजकर परमधाम को देखती है, पर आत्म को आत्म देखसी तब टलसी उल्टो फेजी। इसलिए हमें इस जागनी लीला में अपनी आत्मा को जागृत करना है, उसको प्रेम में डुबोना पड़ेगा, चितवनी में डुबोना पड़ेगा। और चितवनी में जब हमारा शरीर पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा, मन की वृत्तियां शांत हो जाएंगी, तो हमारी आत्मा प्रेम का स्वरूप लगकर परम धाम के में परात्म का श्रृंगार सजकर नैनो पलक न ले। इसका कोई लक्षण जो नैनो पलक नहीं, जब एकटक देखेगी आपका, जब किसी से प्रेम होता है, एक छोटे बच्चे को देखिए, माँ को निहारता रहता है, माँ कहीं दूर चली जाए तो रोने लगता है, उसको क्या चाहिए, उसको उसकी माँ चाहिए। हमें भी जब कई वर्षों के बाद अपने मित्र से या किसी संगे संबंधी जिसे बहुत गहरा लगा हो उससे प्रेम होता है, तो हमारी आंखें कुछ पलों के लिए एकटक देखती ही रह जाती है। इसी तरह से हमें भी सोचना होगा, जब राजी से हमें सच्चा प्रेम होगा तो हम उछलेंगे कूदलेंगे कहाँ, वो तो शरीर लगी वाली कछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वा को हरी नहीं, वो खेले प्रेमी पार प्यासो देखन को तन सागर में। हमें नाचने कूदने की सुध ही नहीं रहेगी। रामकृष्ण परमहंस नाचते भी थे तो पल भर में ही समाधिस्थ हो जाते थे, वो श्रृंगार करके कूदते नहीं थे या आजकल की तरह भद्दे नृत्य नहीं करते थे। इसलिए मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन सुंदर साहब जिस तरह से वाणी से दूर होता जा रहा है, मंदिरों से वाणी हटती जा रही है, आखिर करोड़ों के मंदिर बनाने से क्या लाभ यदि वहां वाणी चर्चा न हो, चितवनी न हो। इसलिए हर मंदिर में पुस्तकालय होने चाहिए जहां साहित्य रखा जाए, हर मंदिर में जो भी सुंदर साहब जाए कम से कम चितवनी अवश्य होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। चर्चा और चितवनी हमारी आत्मा की जागृति का आधार है। सबसे दुखद बात यह है कि सरकार से क्या वाक्य है कि आत्म जागृति के लिए चर्चा, वाणी का चिंतन और चितवनी अनिवार्य है। आज उसी सरकार से के अनुयायी यदि सुंदर साथ चितवनी के विरोध में खड़े हो जाए तो इससे बड़ा दुखद पहलू और कुछ नहीं होता कि जो ज्योति सरकार से ने चितवनी की जलाई थी, आज उन्हीं के लाडले ये कहेंगे कि जो चितवनी करेगा वो मर जाएगा, तो चितवनी ना करो। तो ये बहुत दुखद अध्याय है। चितवनी हमारी आत्मा का प्राण है, चितवनी यहीं से बैठे बैठे परम धाम का दर्शन कराने वाली है। जो ज्ञानपीठ से चितवनी महिमा की पुस्तक प्रकाशित हुई है, आप उसका अवलोकन कीजिए, राज से लेकर क्यामत नामा तक की बाणी। हाँ, सिंधी की चौपाई उसमें देने में भूल हो गई, छूट गई है, किंतु सिंधी में भी कथन है, राज से क्यामत नामा तक हर ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहा है कि चितवनी की महत्ता क्या है। अब चितवनी से कहता हूँ जो देत साजिए कर, चितवनी देवचंद जी ने की, महामती जी ने की, छत्रसाल जी ने की, ऐसा कोई परमहंस नहीं है जिसने चितवनी न की हो, लेकिन आज चितवनी के विरोध में आज पूरा समाज खड़ा हो रहा है। कर्मकांड को बढ़ावा दिया जा रहा है, नाच कूद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और चितवनी के विरोध में एक मुहिम छेड़ दी गई है, यह समाज के लिए बहुत घातक है। सुंदर साहब से निवेदन है कि अपनी अंतरात्मा की भी आवाज़ को सुना करें, वाणी के कथनों को माने, मेरे कथन को न मानिए, वाणी का कथन मानिए। यदि वाणी कहती है कि चितवनी नहीं करनी चाहिए तो मत कीजिए, लेकिन यदि वाणी कहती है कि चितवनी हमारी आत्म जागृति का आधार है तो आपको वाणी चितवनी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी बात अच्छी लगेगी। जो भी सुंदर साहब चितवनी करेंगे उनको पता चलेगा कि ये ऐसा धन है कि यदि सारे ब्रह्मांड का राज भी देकर कोई कहे और जिसको चितवनी का रस मिल गया हो, कोट
राज बैकुंठ के न आवेदी इतके खिंच के समान। अरे यदि आपको एक झलक राज्य के मुखारविंद की मिल जाए, उनके होठों के मिल जाए, हृदय की मिल जाए, चरण कमल की मिल जाए, तो उसके सामने सारे ब्रह्मांड का राज भी फीका है। और जो चितपनी हमें नक से सिक तक युगल स्वरूप का श्रृंगार दिखाती है, उसके विरोध में एक मुहिम चला बैठना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। राज्य से प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दें। कम से कम आप चितवनी नहीं कर सकते हैं तो विरोध तो मत कीजिए। आपको नाचना कूदना हो नाचिए, कूदिए, आपको किसने मना किया है। लेकिन जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो समाज को पथभ्रष्ट करने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि राज्य सबके अंदर विवेक दें, जिससे वो वाणी के कथनों पर चले। मेरे कथनों पर कोई न चले, वाणी के कथनों पर चलिए जो राज्य ने आपको वाणी में आदेश दिया।